वेलकम बैक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11 सी का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स हैं, ए और बी पार्ट हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर ए मैं पहले कर रहा हूँ, तो इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है, बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 24 साइड्स, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। वो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें कि आपने एक्सटीरियर एंगल निकालने की मदद से किसी भी पॉलीगॉन के, जो कि यहाँ पे गिवन है ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 24 साइड्स, यानी अगर आपके पास एक ऐसा पॉलीगॉन हो जो कि रेगुलर पॉलीगॉन हो 24 साइड्स के साथ, आपने उसके तमाम एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं और इस एक्सटीरियर एंगल निकालने की मदद से कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। इन एक्सटीरियर एंगल की मदद से आपने इसी पॉलीगॉन को, जो कि 24 साइड्स वाला पॉलीगॉन है, इसी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल भी निकाल कर दिखाने हैं। यानी क्वेश्चन ये है, एक्सटीरियर एंगल की मदद से आपको इंटीरियर एंगल इस पॉलीगॉन के निकाल के दिखाने हैं। और ये पॉलीगॉन एक खास पॉलीगॉन है। कैसा पॉलीगॉन है ये? ये एक पॉलीगॉन है जिसके साथ लिखा हुआ है रेगुलर पॉलीगॉन, यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसकी साइड्स, तमाम साइड्स और तमाम एंगल इक्वल होते हैं, ऐसे पॉलीगॉन को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो अगर आप इसका एक एक्सटीरियर एंगल भी निकाल लेंगे तो इसका मतलब है इस पॉलीगॉन के तमाम एक्सटीरियर एंगल उसी के इक्वल होंगे, क्योंकि रेगुलर है, इसके तमाम साइड्स इक्वल हैं। तो आपने एक एक्सटीरियर एंगल की मदद से बाकी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल निकाल के दिखाने हैं। तो हमें सारे एक्सटीरियर और सारे इंटीरियर निकालने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये रेगुलर पॉलीगॉन है। आप कोई एक एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो वो काफ़ी होगा, क्योंकि वही सारे एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। इसी तरीके से कोई एक इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो वो भी काफ़ी होगा। तो आइए देखते हैं एक्सटीरियर एंगल के केस में एक्सटीरियर एंगल की मदद से हम इंटीरियर एंगल्स किस तरह फाइंड करके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा थीम समझना पड़ेगा, और उस थीम को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। लेट्स से आपके पास एक पेंटागॉन है। पेंटागॉन ऐसी आपके पास पॉलीगॉन होती है जिसके पांच साइड्स होते हैं और इसके अंदर पांच एंगल होते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक पेंटागॉन है, फाइव साइडेड फिगर, ठीक है। तो ये एक पेंटागॉन है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होगा और इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो ये जो एंगल बन रहे हैं, ये सारे जो इस शेप के अंदर हैं यानी इनसाइड हैं, ये सब के सब कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये भी इंटीरियर है, ये भी, ये भी और ये भी और ये भी। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? अगर आप इस पेंटागॉन की इस वाली साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, लेट्स से, तो ये एक एंगल बनेगा, ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से अगर आप इस वाली साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो ये जो एंगल बनेगा ये भी कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। और इसी तरीके से आप इस वाली साइड को एक्सटेंड कर लें, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। इस वाली साइड को इस तरह एक्सटेंड कर ले इस पूरी लाइन को, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। और ये इसको भी एक्सटेंड कर लें तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। मैं इन सब के साथ ई लिख रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल के केस में। तो हमने करना क्या है, हमने इस एक्सटीरियर एंगल की मदद से ये सारे इंटीरियर एंगल्स निकाल कर दिखाने हैं, क्योंकि पॉलीगॉन रेगुलर है। तो अगर हम कोई एक भी निकाल लेंगे तो वो सारे उसी के इक्वल आने वाले हैं। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, यानी सबसे पहले ये ई निकालेंगे जो बाहर एक्सटीरियर एंगल। और फिर आप देखें ये एक्सटीरियर एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, यानी स्ट्रेट लाइन का मतलब है टोटल एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। तो जब हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे, हम जस्ट उसको 180 में से क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 है। तो अगर मैं 180 में से ये ई माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला एंगल ही आएगा। तो इस तरीके से मैं इंटीरियर एंगल भी निकाल लूंगा, यानी पहले एक्सटीरियर एंगल निकालूंगा, उसके बाद क्योंकि टोटल एंगल 180 होता है तो मैं 180 में से ये ई माइनस करवा दूंगा ताकि जस्ट इंटीरियर एंगल मेरे पास आ जाए। तो इस तरीके से हम इंटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे एक्सटीरियर एंगल की मदद से। तो ये बात है। और दूसरी बात इसमें एक और इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं पॉलीगॉन्स के, जैसे यहां पे है ये, ये, ये और ये, जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं इनका सम हमेशा 360 के इक्वल होता है। तो आपने याद रखना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा किसी भी पॉलीगॉन का 360 डिग्री के इक्वल होता है। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए। तो पार्ट नंबर ए में यहां पे लिख लेता हूं मैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो आपके पास, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, उन सब एंगल्स के, सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है हमेशा 360 डिग्री। अब इसकी मदद से हम पहले निकालेंगे कि एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास बेसिकली किसी पॉलीगॉन का किसके इक्वल है। तो मैं लिखूंगा, साइज लिख लें या कोई और वर्ड यूज कर लें, दोनों बेहतर होंगे। साइज ऑफ ईच पॉलीगॉन है, उन्होंने बताया हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 24 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। कि अगर ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी 24 साइड हैं तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल का साइज कितना होगा, तो मैंने आपको अभी बता देना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। उसके लिए फॉर्मूला हुआ करेगा हमेशा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, सम ऑफ
एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स। आपके पास जितना एक्सटीरियर एंगल्स का सम होगा उसको आपने हमेशा डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ साइड से, तो आपको हमेशा एक एक्सटीरियर एंगल का जो साइज है पता चल जाएगा, उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, वो है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। ये ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी 24 साइड्स हैं, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 24। तो इसका मतलब है आपको 360 को बेसिकली डिवाइड करना है 24 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा जस्ट 15 डिग्री। इससे क्या पता चला है, इससे ये पता चला है कि ये जो पॉलीगॉन है जिसकी 24 साइड्स है, इसके तमाम एक्सटीरियर एंगल कितने हैं, 15 डिग्री। क्योंकि एक 15 डिग्री है, इसका मतलब तमाम ही 15 डिग्री होंगे, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, इसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल इक्वल होने वाले हैं। तो इस केस में आप ये सोच के रखें 15 डिग्री सबका ही बेसिकली एंगल है हमारे पास, ठीक है। अब ये तो निकाल लिया एक्सटीरियर एंगल, अब इसकी मदद से मैंने निकालना है इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, हर इंटीरियर एंगल जो है इस पॉलीगॉन का कितने साइज का होने वाला है, ऑफ मैं ये भी लिख देता हूँ 24 साइडेड पॉलीगॉन। ये हमारे पास जो पॉलीगॉन है इसकी 24 साइड्स हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था हम सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकाला करेंगे, जब वो निकल आया करेगा क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे होता है, मैंने अभी आपको समझा दिया इसके पार्ट के स्टार्ट में, तो आपने उस वैल्यू को हमेशा 180 में से माइनस कर देना है। तो 180 डिग्री में से आप कर देंगे इस 15 को माइनस, यानी इस एक्सटीरियर एंगल को माइनस। तो 180 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे आपके पास आंसर आएगा 165। तो इसका मतलब है ये जो पॉलीगॉन है जिसकी 24 साइड्स हैं, इसके तमाम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के हैं, वो हैं 165 डिग्री के। तो ये हमने कर लिया है पार्ट नंबर ए। तो एक्सटीरियर एंगल की मदद से हमने क्या निकाल कर दिखाया है, इंटीरियर एंगल। आपको पहले ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लेना है, फिर उसको 180 में से माइनस कर देना है, तो आपके पास ईच इंटीरियर एंगल का साइज आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी, वो भी बिल्कुल सिमिलर है पार्ट नंबर ए की तरह। उसमें भी आपने एक्सटीरियर एंगल की मदद से इंटीरियर एंगल निकाल के दिखाना है पॉलीगॉन का। बस फर्क ये हुआ है कि पहले वाले पार्ट के अंदर हमारे पास एक ऐसा पॉलीगॉन था जिसकी 24 साइड्स थी, और दूसरे वाले पार्ट में जस्ट हमारे पास एक ऐसा पॉलीगॉन आ गया है जिसकी 36 साइड है। बाकी पूरा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली जो है एक जैसा ही है, सेम है बिल्कुल। यानी हमने यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल की मदद से इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन के निकाल कर दिखाने हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है, बस आपने ये फर्क रखना है कि यहाँ पे 24 साइड्स थी और यहाँ पे कितनी है बी पार्ट में, 36 साइड। तो आइए देख लेते हैं 36 साइड वाले पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल कितना होगा। तो हमारे पास जो बी पार्ट है इसका, उसके अंदर भी सेम रीजनिंग है, सेम जो है बेसिकली स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पता है आपको सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री, मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आप, मैंने ये भी बताया है कि अगर आपने एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हो किसी भी पॉलीगॉन का, तो आपके पास फॉर्मूला हुआ करेगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स। क्योंकि 36 साइडेड पॉलीगॉन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 36 साइडेड पॉलीगॉन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम तो ऊपर लिखा हुआ है, वो कितना है, 360 डिग्री। आप यहाँ पे 360 डिग्री लिख लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स हैं इस पॉलीगॉन की, इस पॉलीगॉन की 36 साइड हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। तो यहाँ पे ये जब आप 360 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जस्ट आंसर आएगा 10 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो आपके पास पॉलीगॉन है इसमें एक एक्सटीरियर एंगल जो है बेसिकली आपके पास वो है 10 डिग्री। अब आपने एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया है, अब इंटीरियर एंगल निकालना है, तो बहुत आसान है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 36 साइडेड पॉलीगॉन। अब क्योंकि 36 साइडेड पॉलीगॉन है तो इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा है 36 साइडेड पॉलीगॉन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया आपने 180 डिग्री लिखना है और उसमें से माइनस कर देना है ये जो एंगल आपने निकाला होगा एक्सटीरियर एंगल, तो आपने इसमें से 10 डिग्री को कर देना है माइनस। तो 180 में से 10 निकालेंगे तो आएगा 170 डिग्री। इसका मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 36 साइड हैं उसके तमाम इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो किसके इक्वल होने वाले हैं, वो इक्वल होने वाले हैं 170 डिग्री के। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 4।